नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में जो हमने प्रॉमिस किया था कि हम अगली बार जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि आर्यन थ्योरी और बामसेफ मूल निवासी थ्योरी क्या है। तो एक्चुअली मुझे इसके बारे में ज़िंदगी के बहुत ही जल्दी के सालों में मुझे ये अनुभव हो गया था कि हम आर्यन हैं और एक मूल निवासी और एक बामसेफ, ये पैरेलली चलने वाले दो संगठन हैं जो कि बहन मायावती जी के संगठन को अपना सपोर्ट भी करते हैं। तो मैं काफ़ी छोटा था और उस टाइम एक लड़की थी, वो भी काफ़ी छोटी थी, मुझसे भी तकरीबन 4-5 साल छोटी। तो उसने मुझे इसके बारे में बताया, तो उसने बताया कि तुम लोग आर्यन हो और हम लोग क्योंकि मूल निवासी हैं। तो उसने मुझे बताया कि मूल निवासी थ्योरम क्या है, तो बहुत अच्छे तरीके से उसने समझाया। एक बार को मुझे भी लग गया कि वाकई में यार, हम बाहर से माइग्रेटेड हैं और ये लोग जो हैं वो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं। तो आइए आगे हम बात को बढ़ाते हैं और आज की परिस्थितियों में मूल निवासी किस स्तर पे खड़े हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं राजस्थान के और लगातार तमाम विषयों पर लिखते रहते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन किया है जिसको जानकर आप डर जाएंगे। दरअसल गुजरात में बीजेपी की हालत पतली है, इसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव होने हैं। जिस तरह से पूरे देश में दलित और मुस्लिमों की एकता बन रही है, उस पर अब खासकर ऐसे लोग जो कट्टरवादी हैं, जो जिनका ऐसे हिंदू मजहबी कट्टरों से संबंध है, खासकर आरएसएस, बीजेपी, बिही, बजरंग दल, उनको समझ में आने लगा है कि जो एससी समाज के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनका माइनॉरिटी से, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो पंजाबी हो, जैन धर्म के लोगों, इनसे बहुत करीबी हो रहा है, एक दर्द का रिश्ता बन रहा है। इस रिश्ते को तोड़ने की साजिश है। जो राजसमंद में जो घटना हुई है, वो जो शंभू लाल रेगर, वो एससी कैटेगरी का युवा है, उसका वेन वॉश किस तरह से किया जाता है। तो आइए दोस्तों, फटाफट समझते हैं कि ये थ्योरम क्या है, मूल निवासी थ्योरम और आर्यन थ्योरम या बामसेफ थ्योरम क्या है। तो हुआ ऐसा है कि एक्चुअली हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर जो ऐतिहासिक, जो हमारे धारावाहिक जिनको बना करके दिखाया गया है, इसकी इस पूरे दो समाज के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की एक बहुत बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे कि बनाई गई एक भूमिका, लोगों को एक सभा के अंदर इकट्ठा किया जाता है। मूल निवासी उनको समझाते हैं कि आपने रामायण तो देखी है, कृष्णा देखा है, हनुमान जी का ऊपर कोई सीरियल बना था वो देखा है। होता क्या था, होता ये था कि ऋषि मुनि अपना हवन कर रहे होते थे, ऊपर से राक्षस उड़ते उड़ते आते थे, ऊपर से कभी कभी खून डालते थे हवन कुंड में, कभी कभी हड्डियाँ डालते थे, उसको नष्ट भ्रष्ट करके भाग जाते थे। तो ऋषि मुनि खुद तो हथियार उठाते नहीं थे, तो अक्षत्रियों को बुलाते थे और फिर वो राक्षसों को मरवाते थे। तो इसी तरीके से हमेशा से होता चला आया है और इनके अलग अलग, जैसे कि इंद्र आए और उन्होंने राक्षसों को मारा, फिर परशुराम आए, फिर रामचंद्र जी आए, किसको मारने के लिए आए, कृष्ण आए, किसको मारने के लिए आए, राक्षसों को मारने के लिए आए। तो राक्षस कौन होते थे, राक्षसों का थोड़ा सा उनको फिजिक्स समझाते थे कि वो काले होते थे, हट्टे कट्टे होते थे, शराब पीते थे और भांग वगैरह रगड़ के कुछ रखते थे, और मतलब जैसे भी कैसे गंदे मंदे होते थे, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली होते थे, बस उनके पास में बुद्धि ज्ञान नहीं होता था। और उनके जो इष्ट देव थे वो भगवान रुद्र थे, भगवान शिव थे, वो उन्हीं की पूजा करते थे। जैसे कि आपने रावण को देखा ही है, शिव को मानने वाले हैं। तो ये एक पूरी पिक्चर बनाई गई, किसके आधार पर बनाई गई, ये रामानंद सागर के जो सीरियल्स हैं और भी बाकी लोगों के जो सीरियल्स हैं, तो उनके ऊपर ये पूरी पूरी थ्योरम बनाई गई। सीन फिट एकदम, किसी आर्यन के भी दिमाग में सीन फिट हो जाएगा, हाँ भाई राक्षस ऐसा करते थे, राक्षस गंदे मंदे रहते थे। आज के टाइम में गंदा मंदा कौन रहता है, हरिजन,
तो हम किसके वंशज हैं? राक्षसों के। साफ सुथरे कौन रहते थे? राजे महाराजे ऋषि मुनि, उनके वंशज कौन है? आर्यंस। ठीक है, दो बात क्लियर होगी, बहुत जल्दी समझाता हूँ। झगड़ा विस्फोट कहाँ से हुआ है? फिर कहा गया कि जब ये भूमि मूल निवासियों अर्थात राक्षसों की थी, आर्यंस इसके ऊपर कब्जा करने के लिए बाहर से आए थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ कब्जा किया और जैसे कि अंग्रेज यहाँ पर आए थे हमने उनका विरोध किया वापस भगाने के लिए, वैसे ही हम मूल निवासी यहाँ थे और यहाँ आर्यंस आए यहाँ की वस्तुओं का दोहन करने के लिए और हम उनको मार के भगाना चाहते थे, इसलिए हम उनके यज्ञ हवन कुंड में रक्त हड्डियाँ और मरे हुए पशु पक्षियों के टुकड़े फेंकते थे, हवन करते हुए ऋषियों को राक्षस उड़ा के लेके जाते थे और जाके उसको खा जाते थे। इसे क्यों ना, और मैं मानता हूँ कि जब उसको हॉल के अंदर बिल्कुल पैक करके किसी बच्चे बच्ची को ये बातें समझाई जाती हैं, पूरा विज़न बनाया जाता है उसका, तो उसका विद इन 15 मिनट ब्रेन वॉश, जैसे ही हॉल से बाहर निकलता है, मैं मूल निवासी हूँ, तू आर्यन है। फ्रेंड्स थे थोड़ी देर पहले, फ्रेंड्स थे, नहीं अब दुश्मन है, तू मेरा दुश्मन है ना, गाना भी सुना होगा। तो ये थ्योरम है मूल निवासी की। तो यानी कि अगर कोई भी आपके यहाँ कब्जा करता है तो हमको उसको भगाना ही चाहिए, तो ये मूल निवासी थ्योरम हुई। तो हम सब लोग माइग्रेटेड हैं और ये लोग यहाँ रहने वाले हैं और हमको वापस भगाना चाहते थे और हम नहीं भागे और हमने यहाँ पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, क्योंकि हम क्या करते थे, हम शक्तिशाली नहीं थे लेकिन हम बुद्धि से काम करते थे। तो मूल निवासी क्या कहते हैं, अंग्रेजों ने सही किया, अंग्रेजों ने सही किया, यहाँ पर कब्जा किया, क्योंकि वो आर्यों से भी ज़्यादा दिमागदार थे और उन्होंने उसके ऊपर पूरे भारत के ऊपर क्या किया, कब्जा किया। तो फिर सब ने मिलकर अंग्रेजों से पिंड छुड़ाया, अंग्रेजों को वापस भगाया। अब किसको भगाना है, जो आर्यंस हैं, अब इनको वापस भगाना है। ये इनकी दो थ्योरम हुई। अब हमने जब सवाल किया कि जो इस्लामिस्ट हैं वो भी तो यहाँ पर माइग्रेटेड है, आर्यंस यहाँ लाखों साल पहले आए हैं, इस्लामिस्ट तो अभी आए हैं 1000 साल पहले, तो इनको क्यों नहीं भगाना है? अब यहाँ होती है मूल निवासी की पोल खोल। मूल निवासी का एक कार्यक्रम होता है, उसमें मूल निवासी बामसे इन सब के लोग इकट्ठा होते हैं और उसमें मुख्य अतिथि कौन होते हैं, मुस्लिम, उसको कराने वाले कौन होते हैं, क्रिश्चियंस, उसमें मुख्य प्रवक्ता कौन होते हैं, मुस्लिम, उसमें व्यवस्था देखने वाले कौन होते हैं, क्रिश्चियंस। मतलब आर्यंस बाद में आए हैं और ये मुस्लिम मूल निवासी थे, क्रिश्चियंस मूल निवासी थे, और ये जो है भीमटे जिनको बोलता हूँ मैं, सभी मैं सज्जन मेरे हरिजन भाइयों के लिए मैं ये शब्द यूज़ नहीं करता हूँ, हमारे यहाँ हिंदू भाई हैं, हमारे सनातनी भाई हैं, वर्ण व्यवस्था के ऊपर मैं जब बताऊँगा तो उनका ये विश्वास और पुष्ट होगा और उसके बाद में दूसरी वीडियो होगी। तो ये सब तीनों के तीनों भाई भाई हैं, सिर्फ आर्यंस बाहर से आए हैं। और अब आप इनकी कभी सभाओं को देखना, इनका बड़ा आयोजन होता है और 14 अप्रैल के आसपास इनका आयोजन होता है, मेरे पास एक फ़ोटो है आपको मैं दिखाऊंगा। तो उसको जब मीटिंग होती है अंदर बैठ के वो क्या बात करते हैं कि हम सबको भीम और मीम को मिल करके इन आर्यंस को यहाँ से भगाना है। शब्द है अलाउद्दीन खिलजी की, हम पिछले दिनों बात करते रहे हैं और उसका था दारुल ए इस्लाम, एक प्रोपेगेंडा था उसका, एक पूरा मिशन था दारुल ए इस्लाम का, कि ये जो काफिरों की जो भूमि है हिंदुस्तान, इसको हम दारुल ए इस्लाम, इस्लाम का देश बनाएंगे। और इसके पीछे वो हर तरीके से लगे पड़े हैं, वो
राजनीतिक तरीके से लगे हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से लगे हुए हैं, वो लव जिहाद की तरफ से भी लगे हुए हैं, अब उन्होंने वो मीम और भीम वाला भी मुद्दा पकड़ लिया है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या ये भीमटो को लगता है कि जिस टाइम सबारियंस हिंदुस्तान से चले जाएंगे, हालांकि इम्पॉसिबल है, जब ये सब आर्यंस यहाँ से चले जाएंगे तो क्या भीम और मीम और क्रिश्चियनिटी वाले लोग यहाँ बड़े प्यार से रहेंगे? क्या इन भीमटों को नहीं पता है कि पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जयचंद को खड़ा किया गया और फिर जयचंद को किस किस के उदाहरण दूँ मैं? मतलब तुम लोगों को रामचंद्र जी की स्टोरी याद है, तुम लोगों को जयचंद की स्टोरी याद नहीं है भाई भीमटो? ये क्या, मैं वही बात करता हूँ कि मेरे सनातनी भाई ऑफ द ट्रैक्स भी सोचें सिक्के का, सिर्फ एक पहलू नहीं दूसरा पहलू भी देखें। और ये जो मूल निवासी, बाम सेफ, भीमटेक, क्रिश्चियनिटी, ये सब के सब जो मिल करके सनातन के खिलाफ जो कार्यवाही कर रहे हैं, अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं, हमारे लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ताकि वो हमारी तरफ भले ही ना मिले लेकिन न्यूट्रल फेस में जाके खड़े हो जाएं, ताकि इनकी शक्ति कमज़ोर हो। तो मैं अपने भाइयों से, मेरा फिर से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इस चीज़ को समझें, उसके ऊपर बात करें, बहस करें, क्योंकि ये डिट्टो वही कहानी हो रही है जिस तरीके से जाकिर नाइक आपके सब सीरियल्स की कहानी बताता है, आपके ऊपर छोड़ता है पूरा शगुफा आपके अंदर, और फिर बताता है दूसरी कहानी के भविष्य पुराण के अंदर बोला गया है कि मोहम्मद साहब ही 10वें अवतार हैं विष्णु के, और उन्हीं को ही पैगंबर अवतार मानो, इस्लाम कबूल करो। हालांकि मैं जाकिर नाइक की इस बात को भी पकड़ने वाला हूँ और एक आगे वीडियो आने वाली है। तो आज मैंने आपको समझाया सिर्फ इतना सा, इतनी सी बात है कि मूल निवासी थ्योरम और आर्यंस थ्योरम सिर्फ हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथों के ऊपर मिलावट करके जितने भी सीरियल्स बनाए गए हैं उनको मिक्स किया और उसमें थोड़ा सा अपना मसाला लगाया है। इस चीज़ को आप समझो कि ये आर्यव्रत और ये सभी लोग जिन जो आपने आपको आज भीमटा बोल रहे हैं, ये सभी लोग हमारे ही खाप के निकले हुए लोग हैं, ये सब के सब आर्यन ही हैं और हम सब आपस में भाई बहन हैं। किस प्रकार की, किसी भी तरीके की कोई भी प्रोपेगेंडा के जाल में आप ना फंसे, इसके पीछे सिर्फ इस्लामिस्ट और क्रिश्चियनिटी, इस्लामिस्ट मैं साफ शब्द बोल दूँ, इस्लामिस्ट और क्रिश्चियनिटी की चाल है, वो इन लोगों को बहका के हम लोगों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। इसलिए हमको अपने इन सभी दलित भाइयों के साथ मिल बैठ करके बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, किसी स्ट्रेटेजी को इनकी समझें, ये पीठ में छुरा भोंकने वाली कौम है। तो इन फ्यूचर मैं विश्वास रखता हूँ कि हमारे सभी भाई इस बात के ऊपर फोकस रखेंगे, अपने सभी दलित भाइयों को गले से लगाएंगे, हम वो हमारे भाई हैं। इस प्रकार से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आर्य की, आर्यव्रत की, वैदिक सनातन धर्म की शक्ति कभी कमज़ोर नहीं होगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन हमेशा याद रखना, फ्री है। ओम।